वेलकम टू द चैनल। आज है 5 अगस्त। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर PDF आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे PDF आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू टेलीग्राम ग्रुप, इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिविजन। डेली आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू। आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। शुरू करेंगे आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम 1 अगस्त टू 7 अगस्त। तो आपको ये बताना है कि इस बारी का थीम क्या रखा गया फॉर द ईयर 2020। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लैनेट इज द थीम फॉर द ईयर 2020। सिंस 1991 WHO, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर्स मलेशिया में एंड इसके जो फाउंडर रहे हैं अनवर फैजल, तो इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। सो आपने थीम याद रखना है स्पोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लैनेट फॉर द ईयर 2020। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सियासत में सदस्यता। तो इस बुक के ऑथर कौन है जिसे रिलीज किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विजय कुमार चौधरी। बिहार असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी द्वारा इस बुक को ऑथराइज किया गया। डिफरेंट आर्टिकल्स इन्होंने मेंशन किए अबाउट देयर स्टोरी लाइफ एक्सपीरियंस एंड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो भी योजनाएँ जो भी स्टेप्स उठाए गए फॉर द बिहार वो सारी चीज़ें भी इस बुक में इन्होंने मेंशन की सियासत में सदस्यता। ओके, पहले बाकी अगर ऑप्शंस की बात करूँ सबसे पहले तो बिहार के बारे में बेसिक डिटेल्स तो आप जानते ही हो, CM नीतीश कुमार हैं, कैपिटल पटना है एंड गवर्नर इज़ फागु चौहान। एंड उर्जित पटेल की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको अभी तक तो आई होप आपको याद हो ही गई होगी, अवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। RC भार्गव की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया एंड उसका मैरिज ऑर्डर द फर्स्ट लेडी ऑफ USA पे उनकी एक बुक है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप जो मैरिज ऑर्डर द्वारा लिखी गई है। ओके, तो ये सारी डिटेल्स आपने याद रखनी है। जितने अभी 3-4 बुक्स बताई आने वाले एग्जाम में 70-85% चांस जरूर है ये क्वेश्चन इसमें से जरूर आपसे पूछे जाने वाले। ओके, तो याद रखिएगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है विजय कुमार चौधरी। ओके, थर्ड करते हैं इंडिया विड्रॉ फ्रॉम वुमेन वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप। तो इंडिया ने खुद को विड्रॉ किया ऐसे अनाउंसमेंट स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जिसके हेडक्वार्टर्स तमिलनाडु में जिसके जो लाइक प्रेसिडेंट है देवेंद्रनाथ सरंगी उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया कि भारत खुद को विड्रॉ कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि ये होनी कहाँ वाली थी, कौन सी कंट्री में होने वाली थी। इसी साल दिसंबर मंथ में होने वाली है। तो कहाँ पे होने वाली थी, ये होने वाली थी मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। ओके, सो मलेशिया इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रीज़न क्या है, क्यों विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि हमारे इंडियन प्लेयर्स अभी तक फुली प्रिपेयर नहीं है फॉर दिस चैम्पियनशिप। अभी तो फिलहाल COVID-19 है, सारी जगह लॉकडाउन था। सो यही मेन रीज़न बताया गया कि हमारी इंडियन टीम जो भी है अभी तक पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है फॉर दिस चैम्पियनशिप, तो इसलिए हमने खुद को पहले से ही इसमें विड्रॉ कर दिया। ओके, सो मलेशिया इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड बाकी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट करते हैं विच नेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू ओपन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो फर्स्ट अरब नेशन बना अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलने वाला, द यूनिट फर्स्ट ऑफ बाराक न्यूक्लियर पावर प्लांट इन आबू धाबी गॉट ऑपरेशनल ऑन 31 जुलाई 2020। तो 31 जुलाई को ये ऑपरेशनल हो गया एंड UAE लाइक फर्स्ट अरब नेशन बना इसे स्टार्ट करने वाला। ओके, एंड इट विल प्रोड्यूस 5.6 GW ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 25% ऑफ द पीपल्स ऑफ द UAE उनको ये बेनिफिट होने वाला एंड UAE की कैपिटल आबू धाबी में इसका शुरुआत हो गई, ये ऑपरेशनल हो गया। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया जी ऑप्शन नंबर सी UAE। ओके, UAE का होप मिशन टू मार्स आपको तो जरूर याद होगा, वो आपने याद रखना। एंड UAE से आपको IPL भी ज़रूर याद आ रहा होगा, 13वां एडिशन जो हमारा 19 सितंबर से शुरू हो रहा है तो वो भी UAE में होगा, वो आपने याद रखना है। ओके, एंड गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईबुक आप सबके लिए, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएंगे फ्रॉम जनवरी टू जून। 2000+ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर जाके इसको परचेज करके इसका बेनिफिट उठाएं। एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स ने जुलाई फुल मंथ करंट अफेयर का PDF डाउनलोड कर लिया है। और मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया आज के वीडियो में भी लिंक लाइक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जुलाई फुल मंथ करंट अफेयर है
350 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ओके। एंड टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत लिया है? पिक्चर से तो आपने इनको पहचान लिया, एग्जैक्टली लुईस हैमिल्टन, मर्सिडीज ड्राइवर, ही इज फ्रॉम यूके, एंड ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 इन्होंने जीत लिया, ओके। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता है, वो भी आप याद रख लीजिएगा, ओके। ऑन विच डे वर्ल्ड संस्कृत डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? बेसिकली दिस इज नॉट फिक्स्ड, ओके, लाइक पूर्णिमा डे ऑफ श्रवणा मंथ हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। तो इस साल जो हमारा वर्ल्ड संस्कृत डे आया, इसकी शुरुआत 1969 में भारत में की गई थी, तो इस बारी हमने ऑब्जर्व किया, लाइक बेसिकली जिस दिन रक्षाबंधन पड़ता है हम उसी दिन ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा रक्षाबंधन इस बारी 3 अगस्त को था, एंड लास्ट ईयर हमारा हमने इसको 15 अगस्त को ऑब्जर्व किया था, ओके। तो आपने याद रखना है 2020 में हमने कौन सी डेट को वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व किया, 3 अगस्त, ये पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ए न्यू रिसर्च द पोलर बियर्स कुड एक्सटिंक्ट बाय विच ईयर, तो कौन से साल तक ये लाइक ख़त्म होने हो सकते हैं एज पर रिसर्च, एंड यू नो 80 ईयर्स बाद ऐसा लाइक प्रिडिक्शन लगाया कि रिसर्च के अकॉर्डिंग तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से, सो बाय विच ईयर, सो 80 ईयर्स यानी कि आज 2020 है तो 80 ईयर्स जब हमारी नेक्स्ट सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी तब तक ये लाइक एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर इनको प्रॉपरली अभी तक इनकी उनको बचाया नहीं गया, ओके। तो ये ईयर आप याद रख लीजिए, ओके। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे पीयूष गोयल, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, इनॉग्रेटेड ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत, ओके। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज विद द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड टू प्रमोट टू इम्प्रूव बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया, ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जिसे हमारे रेलवे मिनिस्टर एंड पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी है उनके द्वारा से लॉन्च किया गया, लाइक इन्वायरमेंट बिजनेस का इम्प्रूव करने के लिए। देन उसके बाद रिलायंस पावर एंड जापानीज एनर्जी मैजर JERA हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद अ ग्रुप ऑफ बैंक्स फॉर द न्यू गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश, लाइक 745 मेगावाट नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल रहेगा इसमें, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट फंडिंग टाई अप्स फॉर ए प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश पावर सेक्टर। तो किस किस का समझौता हुआ ये पॉइंट आपने याद रखना, रिलायंस पावर एंड जापानीज एनर्जी मैजर JERA का, कौन सी कंट्री में ये बनेगा प्रोजेक्ट, ये बनेगा बांग्लादेश का, कितने रुपए में बनेगा, 642 मिलियन विच इज़ इक्वलेंट टू 4798 करोड़, ओके। तो ये आपने याद रखना है, एंड कहाँ पे बनेगा, मेघना घाट इन बांग्लादेश में ये प्रोजेक्ट बनेगा, ओके। चेयरमैन ऑफ रिलायंस पावर कौन है, अनिल अंबानी, ये पॉइंट आपने याद रखना है, कंट्री का नाम बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन किस किस के बिटवीन टाई अप हुआ ये आपने याद रखना है, ओके। स्कॉच अवार्ड हैज़ बीन अवार्डेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा, जिसके मिनिस्टर हैं, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू IT एनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स प्रोजेक्ट, तो इन्हें स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया, बेसिकली मिनिस्ट्री पूछेंगे स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को दिया गया। दिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च टू शो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट टू रियलाइज द ड्रीम्स ऑफ डिजिटल इंडिया एंड ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज ईज इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ओके। जो 66 स्कॉच अवार्ड कंपटीशन था वॉज हेल्ड विद द नेम इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस, ओके, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पार्टिसिपेटेड इन द डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस 2020 कंपटीशन, ओके। तो अब आपको इसमें याद क्या रखना है, किसने जीता, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है वो आपने याद रखना है, एंड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू IT एनेबल स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट इन्हें सम्मानित किया गया, स्कॉच 66 स्कॉच अवार्ड था, ये आपने याद रखना, ओके। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, तो न्यू प्रेसिडेंट कौन बने ये आपने बताना, इनकी पार्टी का नाम याद रखना पीपल प्रोग्रेसिव पार्टी, सो करेक्ट आंसर इज मोहम्मद इरफान अली जो बने प्रेसिडेंट, एंड कंट्री के बारे में कंट्री की जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन, एंड वेल स्पेलिंग इज GEORGETOWN, ओके, एंड जो कैपिटल है वो गुआनीज डॉलर, ये आपने याद रखना, तो मोहम्मद इरफान अली इज द करेक्ट आंसर, पार्टी का नाम याद रखिएगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च एन इनोवेटिव वर्चुअल साइबर क्राइम अवेयरनेस कैंपेन नेम्ड एज ई रक्षाबंधन, तो
एक कैंपेन एक महीने का लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ लाइक रक्षाबंधन जो हमारा 3 अगस्त को था। तो कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया एक महीने का ये स्पेशल कैंपेन अवेयरनेस प्रोग्राम वर्चुअली? करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। वाई सर जगन मोहन रेड्डी इज द CM ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर द स्लोगन लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। आंध्र प्रदेश स्टार्ट किया गया ये याद रखना अपने। ओके यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक प्रोग्राम एक इनिशिएटिव लाइक विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 लॉन्च किया गया। बेसिकली क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस के प्रति रुचि जगाने के लिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 7th एंड इट हैज़ बीन ऑल्सो डिजाइन टू आइडेंटिफाई द टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो इस प्रोग्राम का नाम जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये आपने याद रखना है। ओके देन उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए व्हाट इज द नेम ऑफ नासा मार्स रोवर व्हिच वाज लॉन्च रिसेंटली टू सीक साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ। ओके तो इसका आंसर बताइए। एंड गाइस देखो कल का वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था यानी कि 4 अगस्त का, तो आज के वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। यू डोंट नीड टू वरी कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। अगर कोई एक दो क्वेश्चन होगा भी तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी कि कोई क्वेश्चन आपका स्किप होगा। ओके एंड सेपरेट वीडियो नहीं आएगी। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आज के मैक्सिमम क्वेश्चन ले लिए। अगर कोई रहेगा तो हम आपको कवर करवा देंगे। ओके नाउ अब ये 7 क्वेश्चन आपने बताने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है लाइक विच स्टेट टॉप द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लिस्ट है। तो कौन सी स्टेट ने टॉप किया ये बताना। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये भी बताएंगे आप लोग। लूनर लेक इज़ इन विच इंडियन स्टेट, कौन सी स्टेट में है ये बताएगा आप लोग। एंड थर्ड क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी टू लुक इन टू द वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। एक स्पेशल कमेटी बनाएगी इस कमेटी की, लाइक इस कमेटी के चेयरमैन कौन है ये क्वेश्चन आपने मुझे बताना है। ओके देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ राम मंदिर ट्रस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आज हमारे मोदी जी इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि राम मंदिर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट कौन है। दिस इज द क्वेश्चन विच इंडियन अमेरिकन हैज़ वॉन 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज ये किसे दिया गया ये नेक्स्ट इज आई फील यू ब्रेसलेट आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री द्वारा बनाया गया ये बताओ। एंड द 7वां क्वेश्चन आपके लिए गुंडी नेशनल पार्क ये कौन सी स्टेट में है। तो ये 7 क्वेश्चन्स हैं आपके लिए एंड पहले तो खुद कोशिश करो बताने की, ठीक है। डायरेक्टली मत आओ, वीडियो को पॉज करके आंसर करो खुद के। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आप आंसर कर सकते हो आई होप। 7 में से 2-3 क्वेश्चंस तो आप कोशिश कीजिएगा एंड इसके बाद आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये रहे आपके आंसर्स। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को ऑब्जर्व करते हैं एंड इस साल हमने सेकेंड बार ही ऑब्जर्व किया यानी कि इसकी शुरुआत ही लास्ट ईयर हुई थी 2019 में हुई थी। ओके तो गुजरात ने टॉप किया। लोनर लेक ये महाराष्ट्र में है एंड जो चेयरपर्सन बनाया गया ऑफ द कमेटी टू लुक इनटू द वेलफेयर फॉर द फ्रीडम फाइटर्स जी किशन रेड्डी इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ राम मंदिर ट्रस्ट महंत नृत्य गोपाल दास। उसके बाद इंडियन अमेरिकन जिन्हें सम्मानित किया गया वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर रतनलाल जी एंड आई फील यू ब्रेसलेट इटली द्वारा बनाया गया एंड गुंडी नेशनल पार्क है जी तमिलनाडु में। ओके देखो बच्चों मैं आपको हर बार ही बोलता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपने स्किप नहीं करने एट एनी कॉस्ट। ये 7 के 7 क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल 101% एग्जाम ओरिएंटेड हैं एंड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। मैं आपको बोलता हूँ कि डेली अगर 15 क्वेश्चंस भी मैं करवाता हूँ तो उसमें से भी अगर आप मुझे बोलोगे ना मैं 5-6 क्वेश्चंस को ही मैं सिलेक्ट करूँगा जिनको मैं लगेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस करंट इवेंट भी रहते हैं वो हमने कवर करने हैं तो मैं इसलिए आपको हर बारी बोलता हूँ ये जो लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं एट एनी कॉस्ट आपने ये पोर्शन मिस नहीं करना। ओके एंड उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है एंड टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके। एंड अगर आप वो सारे प्रोसेस फॉलो करते हो एंड ट्रस्ट मी करंट अफेयर सेक्शन में एट एनी कंडीशन कौन सा भी एग्ज़ाम हो कैसा भी एग्ज़ाम हो बैंकिंग का हो LIC का हो SSC का हो या वट एवर एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड देखो बच्चों मुझे कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप एक दिन क्वेश्चन अगर बात करवाओगे या देखो द मेन पॉइंट इज़ कि आपके सारे क्वेश्चन कवर होने चाहिए। अब मैं भी कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपको 4 तारीख के होंगे यानी कि 4 अगस्त के क्वेश्चंस होंगे मैं आपको 5 तारीख को करवा दूंगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा।
द पॉइंट इज कि सारे क्वेश्चंस कवर होने चाहिए. ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ स्टूडेंट्स मैं कमेंट देखता हूँ कि सर उन्होंने एक दिन पहले करवा दिया, आपने एक दिन बाद करवाया, सो व्हाट इट मीन. इसका ये थोड़ी मतलब होगा कि आप उसके बिहाफ पे हमें रेटिंग दोगे कि हमारा चैनल अच्छा है या बुरा है. ओके, ऐसा नहीं होता. द पॉइंट इज कि कौन आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा है. ओके, देखो आपको ऑनेस्टली फॉलो करते रहना है. लेट मी क्लियर वन थिंग, ऑनेस्टली आपने सारी चीज़ें फॉलो करनी है. टेलीग्राम प्लस डेली करंट अफेयर वीडियो, करंट अफेयर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. जस्ट वेट फॉर द एग्जाम. अगर आपने ऑनेस्टली प्रिपरेशन की है, जो आपने आपको स्टेप्स बताए जाते हैं टेलीग्राम प्लस डेली करंट अफेयर वीडियो प्लस रिवीजन, आप फॉलो करते हो, यू विल एक्सपीरियंस इन यूर एग्जाम कि हाँ हम सही बोल रहे थे. अगर आपने फॉलो किया यू विल गेट द रिजल्ट्स. बट अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो देन आपको दिक्कत आ सकती है. बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द करंट अफेयर सेक्शन. दिस इज द पॉइंट, मेन पॉइंट. ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड 4 तारीख का वीडियो जैसे आपको पता कि नहीं आ पाया था, 4 अगस्त का वीडियो नहीं आ पाया था. रीज़न इज़ कि 3 तारीख को हमारा रक्षाबंधन था, सो पूरा दिन वहीं पे बिजी रहा एंड कुछ पतंगे भी उड़ाई, तो इस वजह से थोड़ा बिजी हो गया था. सो इस वजह से नहीं हो पाया. बट डोंट वरी, जैसे मैं बताया यू डोंट नीड टू वरी. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अपना बनाए रखें. थैंक यू.